पक्का जादूगर ने। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, लड़का नहीं बदल पाए, लेकिन बीवी क्या जो कह के फूंकती है रे बाप। एक दिन फूंकती है शोहर के कान में, 3 साल असर रहता है। आपके कौन गांव है? खरगो में नहीं, सरिया कूपा। खरगो बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ फूका फूकी नहीं, यहाँ ठीक ठाक है। उधर की बात बता, याद रखो नौजवानों, इमाम हुसैन मैदाने करबला में 18 साल की उम्र में बाबा हुसैन ने सर पे सेहरा बांध के करबला का दूल्हा बना के घोड़े पे बिठाया, कहा बेटा करबला जाना होगा, नाना की शरीयत बचाना हो। और हम लोग बेटे के सर पे हम लोग भी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं बेटा सर पे सेहरा बांधना होगा, ससुराल जाना होगा, हीरो हुंडा लाना होगा। का नारा अलग, अपाची KTM मोटका टेरवा वाला लड़का देखिएगा ढेंचूर के तरह, और गाड़ी 1,80,000, और पॉकेट में सिर्फ 2 पुड़िया है, 30 रुपया, और लगता है कि प्रधानमंत्री खानदान से उठ के आया। अजब रंग है, बहुत माहौल में बदलाव पैदा करो, बहुत भयानक वक्त तेरे भारत में देखने को मिल रहा है। अब तो बदलाव पैदा कर, अब तो समाज में तालीम शिक्षा मिल्लत मोहब्बत पे ध्यान दे। अब शराब अगर कोई पीता है तो छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, डीजे छोड़ दो, पड़ाका छोड़ दो, इस्लामी जिंदगी कटाओ, मोहब्बत पैदा करो इस्लाम से, नबी से। कसम खुदा की जब तुम मोहब्बत इस्लाम से करोगे परेशानी थोड़ी होगी, लेकिन ईमान पर कायम रहोगे और तुम ही गालिब होगे, तुम ही फतह पा जाओगे। क्या घबराना इन चंद नेताओं से, टीवी में बैठ के जो घबराता है, एक तरफा है, ताकत तेरे पास है, तुम जिधर चाहो कर सकते हो, लेकिन बड़े बड़े कारून फिरौन सद्दात डिक्टेटर हिटलर, आज तक उसका नाम नहीं रहा है। क्या बात है, जुल्म करने वाले का नाम मिट गया है, लेकिन जुल्म सहने वाले का नाम आज भी इतिहास। बेशक बेशक, यजीद ने करबला में इतना जुल्म किया था कि यजीद का नाम गुम हो गया, हुसैन ने सब्र किया, दुनिया में छा गए। तुम जुल्म करते जाओ, हम हुसैन की तरह सब्र करते जाएंगे, तेरा नाम मिट जाएगा, लेकिन साबिरों का नाम न कल मिटा था, न आज मिटे है, न कयामत तक मिटेगा। सब्र करने वालों के साथ आज भी इतिहास के पन्नों पे लिखा हुआ। इमाम हुसैन जो शहीद हुए ना, ऐसा नहीं कि अचानक करबला चले गए, नहीं, कुछ चिट्ठी दे के बुला लिया, नहीं, ये खुदावंद परवरदिगार की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा था इस्लाम का। बताया आपको, ये हुसैन जो था तोहफा था इस्लाम का। लोग समझ नहीं पाया, इमाम हुसैन छोटे थे, कम उम्र थे, 6 साल की उम्र थी, उसी वक्त जिब्रील अमीन आए थे रसूल पाक के बारगाह में, या रसूलल्लाह आपका एक नवासा होगा, और वो नवासा उनकी उम्र 56 साल हो जाएगी, वो मैदान करबला जाएगा, दुश्मनों के बीच खड़ा होगा, नारे फरात पे पानी चमकेगा, खेमे में उनके बाल बच्चे तड़पेंगे, लेकिन या रसूल अल्लाह वो भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। बस यही खबर मेरे रसूल को जिब्रील दे के चले गए, एक रुका अल्लाह के रसूल लिख के रख लिया, वो दिन 10वीं मुहर्रम होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, वो 61 हिजरी होंगे, मैदान करबला होगा, सब कुछ लिख के रख लिए, और वही पर्ची देख देख के माँ अल्लाह अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह गम में डूब गए। देखते देखते जी नवासा कांधे पे हो, जुल्फों पकड़ के खा पूरे मदीने में सवारी करे, उनके साथ ये मामला, गम में डूब गए, आंसू आने लगे। इतने में हजरत मौला अली अल्लाह के रसूल के हुजरे में तशरीफ ले गए, हजरत अली ने देखा कि अल्लाह के रसूल के चेहरे में रंग बदला हुआ, आंख से आंसू है। अली फरमाते या रसूलल्लाह किसने आपको तकलीफ दी, किनके अंदर ये हिम्मत है क्या आपकी आंखों में आंसू कर पैदा कर दे। इतने में हजरत अली ने क्या देखा, अल्लाह के रसूल के हाथ में एक पर्ची है, उस पर्ची को हजरत अली ने ले लिया, लेके हजरत अली ने पढ़ा, उसमें लिखा था ऐ अली, पूरा लिखा था कि हजरत इमाम हुसैन होंगे, मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, नारी फरात में कब्जा होगा, पानी पे पहरा होगा, बच्चे तड़पेंगे, परदेश वतन होंगे, जमीन गर्म होंगे, 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद किया जाएगा। हजरत अली पढ़े, उनकी आंख से आंसू निकलने लगा, हजरत अली भी रोने लगे। इतने में बीबी फातिमा अंदर चली गई, बीबी फातिमा फरमाती आप क्यों रो रहे हैं अपने शोहर मौला अली को, ए अली आप रो क्यों रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपके भी आंखों में आंसू, आखिर गम वजह क्या है, माजरा क्या है।
ना अली बता सके ना या रसूल बता सके, बताए कि फातिमा तेरे बेटे के साथ ये मामला हुआ। अल्लाह के रसूल भी कुछ ना बोले, अली कुछ ना बोले, सब चुप। फातिमा खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह आप तो बता दीजिए आपकी आंखों में आंसू कैसे, ए मेरे सरताज अली आप क्यों रो रहे हैं। हजरत बीबी फातिमा खड़ी है, मौला अली किस जुबान से कहते कि देख तेरे बेटे के साथ क्या होगा, नहीं बोल पाए। वो पर्ची को इमाम हजरत अली ने बीबी फातिमा के हाथ में दे दिया। बीबी फातिमा पर्ची को पढ़े, वो भी रोने लगे, या अल्लाह मेरे बेटे के साथ ऐसा मामला होगा, मैदाने करबला होगा, चारों तरफ दुश्मन होंगे, भूखे प्यासे शहीद किया जाएगा, ज़बह किया जाएगा, गर्दन पर तलवार चलेगी। बीबी फातिमा के आंखों में आंसू, वो भी गम में रोने लगे। इतने में इमाम हसन घुस गए, कहा माँ आंख में आंसू क्या बात है, बाबा आप भी रो रहे हैं क्या बात है, नाना आपके भी आंख में आंसू क्या बात है। कोई बोल नहीं रहे, सब चुप है। पर्ची में लिखा हुआ है, जिद करने लगे इमाम हसन ने, माँ आप तो कुछ बोलिए आखिर, सब रो क्यों रहे हैं, बात क्या है, गम क्या है। इमाम हसन को बीबी फातिमा ने अपने, उनकी माँ ने अपने बेटे हसन के हाथ में पर्ची दे दिया। इमाम हसन ने पर्ची को पढ़ा कि तेरे भाई के साथ ही मामला होगा, मैदान करबला होंगे, चारों तरफ दुश्मन होगा, 22,000 लश्कर होगा, 10वीं मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, नहरे फरात पे पानी हिलोरे लगा, चमकेगा, मोजे मारेगा लेकिन पी नहीं सकेगा, भूखा प्यासा मैदान में 3 दिन के भूखा प्यासा जबह किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। इमाम हसन जारो कतार रोने लगे। इतने में कहीं से इमाम हुसैन अंदर आ गए। इमाम हुसैन ने देखा कि हसन भी रो रहे हैं, माँ आप भी आंसू बहा रहे हैं, बाबा आप भी रो रहे हैं, नाना आपके आंखों में आंसू, आखिर ये आंसू किस बात के, कोई बता क्यों नहीं रहे। ए भाई जान कुछ तो बोलिए, ए माँ कुछ तो बोलिए, ए बाबा कुछ तो कहिए, ए नाना कुछ तो इरशाद फरमा दीजिए, कुछ तो कह दीजिए। सब इमाम हुसैन को देख रहे हैं, हजरत अली भी देख रहे हैं, बीबी फातिमा भी देख रही है, हजरत हसन भी देख रहे हैं, प्यारे आका भी देख रहे हैं। ये बेटा होगा 56 साल की जब उम्र होगी, मैदान करबला होगा, भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। बीबी फातिमा टुकटुकी बांध के देखने लगी, आंख से आंसू बहने लगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते, माँ आखिर किस गम ने रुलाया। जब इमाम हुसैन ने जिद कर दिए, वो पर्ची इमाम हुसैन के हाथ में बीबी फातिमा ने दे दी, इमाम हसन ने दे दिया। और जो ही इमाम हसन ने पर्ची दिया, पर्ची पढ़ा, मैदान करबला होगा, 10वीं मुहर्रम होंगे, जुम्मा का दिन होगा, भूखा प्यासा होगा, शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन पढ़े और हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, कहिए सुभान अल्लाह। अब हजरत हसन हैरत में है, इमाम हुसैन पढ़ रहे हंस रहे हैं, बी फातिमा देख रही हैरत में है, मौला अली सोच रही है क्या हुआ है, काहे बेटा, ए मेरे लाल तूने क्या पढ़ा। कहा बाबा जो आपने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो माँ ने पढ़ा वही मैंने पढ़ा, जो भाई ने पढ़ा वो मैंने पढ़ा, जो नाना रसूल ने पढ़ा वो मैंने पढ़ा। कहा बेटा हम पढ़े तो गम में डूब गए, नाना पढ़े तो गम में डूब गए, माँ ने देखी तो गम में डूब गए, हसन ने देखा तो गम में डूब गए, आपने क्या पढ़ा। के मुस्कुराने लगे, कहे बाबा ए नाना ए माँ इसमें लिखा है मुहर्रम होगा, जुम्मा का दिन होगा, 61 हिजरी होंगे, करबला का मैदान होगा, भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तो इमाम हुसैन आहिस्ते आहिस्ते नाना रसूल की बारगाह में चले गए और सर पे उंगली फेरने लगे। कहा नाना ये जो जिब्रील आके कहे हैं, जिब्रील इरशाद फरमा के चले गए, आपने उसको लिख लिया है, ऐसा मेरे साथ क्यों होगा, मुझको क्यों भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा, मुझको क्यों मारा जाएगा, मुझको क्यों कत्ल किया जाएगा, मुझको क्यों शहीद किया जाएगा, मुझको भूखा प्यासा क्यों रखा जाएगा। तब अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे वासे सुन, मैदाने करबला में एक डिक्टेटर की तरह होगा, जो शराबी होगा, अय्यार होगा, मक्कार होगा, धोखेबाज होगा, वही कुरान को बदलना चाहेगा, कुरान में तारीफ करेगा, शरीयत में रद्दो बदल करेगा, नमाज में कम बेशी करेगा। कहा कि नाना उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम क्या करेंगे। कहा आप आगे बढ़ेंगे बचाने के लिए, और जब बचाने के लिए बढ़ेंगे तो आपकी गर्दन पे तलवार चलेगी। कहा नाना तलवार चलेगी तो क्या होगा। कहा नाना का इस्लाम जिंदा होगा। हुसैन ने कहा नाना इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ, एक हुसैन क्या 1000 बार हुसैन पैदा होगा, नाना के शरीयत पे जान मांगता जाएगा हुसैन। नारे तकबीर। अरे भाई मान लो हुसैन की मोहब्बत में हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाथ उठाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहदाए करबला कौन कुरान। वाह 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 वाह। अरे माशाल्लाह, आ सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, पंखा थोड़ा ऊंचा, एगो बात बोलियो। अरे बोल दियो क्यों। अच्छा तेरे बस्ती में दस्ते किया गाछ हो की। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, यही ठीक ठाक है।
कहिए सुभान अल्लाह। जगरना की रात में भी लोग जागते हैं, मेरी माँ बहने भी जागती है। इन लोगों को कहिए कभी कुरान पढ़ने के लिए एगो चाची पूछे, हाँ चाची नमाज कहे न पढ़ते हैं, बल कमर बर ना छोड़ो मलना सा है उठे बैठे ना पढ़ाइयो। मैंने चाची नंगलिया टड़िया में जभी खेलवा दे खेल, हाँ बेटा चल जाओ धीरे धीरे निकल जाओ। वाह रे मुसलमान, कसम खुदा कि हमारी माँ बहने। अच्छा इतने लोग हो गए, सही बोलिएगा, मुहर्रम के चांद में मैदान करबला में जगरना के रात में इमाम हुसैन जब खेमे की तरफ झांकते, जब जब खेमे देखते तो बीबी शहरबानो खड़ी हो जाती और अपने शोहर को पहले सलाम करती। बीबी जैनब खड़ी हो जाती, भूखी है प्यासी है, तीन दिन के भूखे प्यासे, लेकिन जब जब भाई हुसैन को देखता सलाम पेश करती। इमाम हुसैन फरमाते बहन बैठ जा आराम कर ले, इस कदर बार बार खड़ी होगी तो तकलीफ सर चकराएगा मेरे। इमाम हुसैन की बहन फरमाते भाई जान मैं शरीयत बचाने आई हूँ ना, कुरान बचाने आए हैं ना, दीन बचाने आए हैं ना, इस्लाम बचाने आए हैं, तो जब जब नाना की उम्मती की औरतें ये जगरना के रात देखेगी कि बीबी जैनब तीन दिन से खाई नहीं थी लेकिन भाई को सलाम किया, शहरबानों ने कोई खाना पानी नहीं खाया लेकिन जितने शोहर को हुसैन को सलाम किया, वो देखेगी कि भूखे प्यासे रह के शरीयत पे अमल भी किया, शरीयत को बचाया। वो बहु बेटियां कल अपने शोहर को घर पे सलाम कर देगी, कल माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह। हमारी बहू बेटी सलाम करती है, करेगी। अच्छा आज 22-23 चांद हो गया ना, 22 से 23 चांद हो गया होगा शायद, किसी की बहू ने बीवी ने सलाम किया अब तक एक चांद से? अरे किसी मुहर्रम से आए तब क्या था, दोपहरिया दिन जगरना। हाँ पहलम ने क्या कहता है, बड़की चौकी दू मेला से आए थे तब नहीं करेगी, उन लोग को लॉक है, एक ही दिन करेगी खाली ईद में, खोजेगी खोज के, अरे बाप ईदगाह से आइए बीवी दुआरे में खड़ी है, लगता चौकीदार है आज ईद है, आज सलाम की जीत है। एकदम खाली घर में कदम रखिए, एकदम अस्सलाम वालेकुम, लगता है कि एकदम HD सलाम, HD ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। लेकिन वो सब बीवी नहीं करती है HD सलाम, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, कपड़ा अगर ठीक ठाक ईद में रहा तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन कल हसन हुसैन की माँ फातिमा जहरा एक कपड़ों में